अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371178773250523। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, विद्या बालन की किस शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर 2021 की रेस में शामिल किया गया है? ए नटखट, बी नाटक, सी बचपन या डी कुश्ती। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर में कोरोना का टीका लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों में काफी उत्साह। टीका के बाद स्वास्थ्य कर्मी ने कहा, औरों को भी टीका लेने और गाइडलाइंस का पालन करने के लिए करेंगे प्रेरित। भागलपुर में कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए चयनित स्वास्थ्य कर्मियों में बेहद ही उत्साह देखा गया। वहीं भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही जिले भर में बनाए गए 8 सरकारी अस्पतालों और 2 निजी अस्पताल में वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया। रेफरल अस्पताल नाथनगर में जीएएनएम पिंकी कुमारी ने कोरोना का पहला टीका लिया। वहीं टीका लेने के बाद पिंकी कुमारी ने कहा कि वे बेहद ही सुखद अनुभूति कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे सस्ता टीका बनाकर और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाकर भारत ने दुनिया में अपना लोहा मानने के लिए सबों को मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर टीकाकरण के पूर्व अस्पतालों में पीएम मोदी के संबोधन को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रसारित किया गया। गर्व की बात है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबको यही कहूंगी कि किसी को डरना नहीं है, आराम से इंजेक्शन ले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और अपने आप को हिम्मत बनाए रखे ताकि दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसका भी मन बने रहेगा और इंजेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस समय आप टीका लेने जा रहे थे उस समय कैसा लग रहा था टीका, और टीका लेने के बाद कैसा लग रहा? पहले भी मुझे उतनी ही खुशी हो रही थी, आज लेने के बाद भी उससे ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इंजेक्शन लिया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सबसे पहले फ्रंट लाइन पर काम करने वाले आप लोग हैं और आपको पहला टीका के लिए चयनित भी किया गया है, क्या कहेगा वो? मैं उनको धन्यवाद कहूंगा, थैंक यू कहेंगे, हम लोग के बारे में उसने सोचा और हम लोग के साथ भी दे रहे हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मेरा संदेश दे दीजिए कि वो हम लोग के लिए बहुत कुछ अच्छी चीज सोचे जो हम लोग इंजेक्शन लिए, ताकि अगर मैं अच्छी रहूंगी तो मैं हर पेशेंट का मैं अच्छे से केयर कर सकती हूँ और उसे मैं सलाह दे सकती हूँ। जिसमें कोरोना का महामारी चल रहा था, काफी सारा अपने पेशेंट को देखा होगा, आपको लग रहा था भारत पहला टीका बना लेगा, इतना सस्ता टीका बनाएगा? बिल्कुल लग रहा था, जब ये पूरा फैला हुआ तो मुझे लग रहा था ये इंजेक्शन चलेगा और सबको भी पड़ेगा, और मैंने इस कोरोना में एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ, मैंने ईमानदारी से ड्यूटी किया और मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बचूंगी और मैं दूसरे को नहीं बचाऊंगी, मैं बच के रहूंगा ताकि मुझे बीमारी हो जाएगा, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा, मैंने दिल से सबका सेवा किया। और लोग क्या कहना चाहेंगे आप जो कि स्वास्थ्य कर्मी नहीं है या फिर अन्य लोग हैं वो भी टीका ले, किस तरह का क्या संदेश क्या देंगे? मैं आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है मोदी जी के द्वारा पूरे देश में, इसका उद्घाटन हुआ है, नाथनगर में भी उद्घाटन हुआ है और इसी के अंतर्गत वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें फर्स्ट जो वैक्सीन लगाया गया है वो जीएनएम है, पिंकी कुमार, और इसके बाद सारी व्यवस्थाएं यहाँ है। वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, वहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा किट उपलब्ध है, एडवर्स पोजीशन के लिए 2 बेड लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी उपलब्ध है। इसके बाद वेटिंग रूम बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा जिसको वैक्सीन लगेगा उसको आधा घंटा तक उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। कितने लोगों का टीकाकरण होना है? आज 100 लोगों का टीकाकरण होगा सर। वो 100 जो टीका प्रशिक्षित तो लोगों का ये था कि हम कोविड का वैक्सीनेशन का जो कि हम लोग बहुत 9 महीने से इंतजार कर रहे थे कि हमारे देश में टीका बने और टीका लगे, उसकी आज प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत
शुरुआत हुई और हम लोग यहाँ पर सदर अस्पताल में इसको कार्यक्रम का शुरुआत किए हैं। 100 आदमी का हम लोग आज देने का टारगेट है। सभी को मैसेज दिया गया है, सभी को बुलवा के यहाँ बैठाया गया है। स्क्रीनिंग करते हुए सभी को आज टीका लगाएंगे हम लोग। और अभी आपने देखा होगा, अभी हमने टीवी पर देखा, एम्स के डायरेक्टर साहब गुलेरिया साहब ने भी टीका लगवाया। ये जो भ्रांति मन में फैलाई गई है लोगों द्वारा, किसी के द्वारा, ये मिथ्या है। इसे डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग खुद लगवाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को आज ऑर्डर नहीं है लगवाने का। हम लोग परसों लगवाएंगे और आज जो है जिनका नाम है सबको लगवा रहे हैं। आज पहला किसका लगाया सर? अभी देवाशीष कुमार पांडे हमारे डाटा ऑपरेटर हैं, उन्होंने आज लगवाया। आप लोगों ने देखा होगा, फोटो भी खींचा होगा। जिले में कितने सेंटर बनाया गया सर टीका? अभी जिले का नहीं बता सकता, मैं जिले का इंचार्ज नहीं हूँ। मैं सदर अस्पताल का इंचार्ज हूँ। यहाँ शहर में 3 जगह पर है, मंगलम और एक रक्षिता नर्सिंग होम और मेडिकल कॉलेज का तो अलग है। मेडिकल कॉलेज सर सबसे पहले अलका देवी को लगना था, वो नहीं है। नहीं, अलका देवी को नहीं, देवाशीष पांडे को हम लोग नाम लिस्ट में चार्ट में भले हो, लेकिन हम लोगों ने देवाशीष पांडे का पहला करवाया। इच्छा जताई कि हमारा हो तो उनको हम लोग किए, क्योंकि वो बहुत मेहनत किए हैं पूरे कोरोना में वो लोग। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी नन एसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। दिन भर विक्रमशिला सेतु पर लगा रहा भीषण जाम, आवाजाही में भारी परेशानी। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर लगे भीषण जाम के कारण शनिवार को आवाजाही करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल दो ट्रकों की टक्कर के बाद सेतु पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और दिन भर भागलपुर से नवगछिया और नवगछिया से भागलपुर आवाजाही करने वाले गाड़ियों और यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान गाड़ियां रेंगती दिखी और मिनटों की दूरी घंटों में तय करने को मजबूर दिखे। भागलपुर अपराध को लेकर जमकर बरसे अजीत शर्मा। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही एक बार फिर से नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होकर बिहार का विकास करने का निमंत्रण दिया है। 15 साल पुराना शासन काल को याद दिलाया, क्या लगता है? बड़ा आश्चर्य लगता है। माननीय मुख्यमंत्री एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम लोग जो 16 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इनको तो अपने कार्यकाल की बात करनी चाहिए। और जिस तरह से कल मैंने इनको चेहरे पर गुस्सा देखा, परेशानी देखी, और जिस तरह से वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, हमको लगा नहीं कि वही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो पहले बिहार चला रहे थे। लगता है कि बीजेपी के दबाव से मैंने एकदम बौखलाए हुए हैं। इन्होंने क्या कहा, 15 वर्ष, जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बात पर उन्होंने कहा, क्या 15 वर्ष पीछे का उनके माता पिता का कार्यकाल याद नहीं है क्या? अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, पीछे मुड़ के नहीं देखिए। कोई भी इंसान पीछे मुड़ के देख के चलेगा, आगे ठोकर लगेगा। आप 16 साल में क्या किए, आपके प्रशासन के पदाधिकारी बिल्कुल कंट्रोल अपराध नहीं कर पा रहे हैं। हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, अपराधी पकड़े नहीं जाते। आपने तो सबको शराबबंदी के नाम पर, सारे प्रशासन के लोग बस शराब पकड़ने में लगे हैं, अपराध को रोकने में नहीं। आप चिढ़ क्यों रहे हैं, गुस्सा क्यों रहे हैं? जनता आपको देख रही है। आप जनता की अपेक्षाएं हैं, क्राइम रुकना चाहिए किसी के परिवार का। आज बोलिए रुपेश कुमार, ऐसे से बहुत लोग, यहाँ भी परसों भी हत्याएं हुई है भागलपुर जिला में, आज पटना में फिर से हुआ। तो ये हत्याएं रोज हो रही है। आप प्रशासन को इतना कड़ेती कीजिए हत्याएं रुके। और हत्या अगर होती है, अगर आपका क्राइम क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, तो दोबारा हत्याएं नहीं होगी। आपका याद है, आपने एक बार बोला था सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, कोई भी हत्या अपराध होगा सारा कैद होगा और अपराध उसी सीसीटीवी फुटेज पर पकड़ा जाएगा। आखिर ये रुपेश जी की हत्या जो हुई इंडिगो वाले का, क्या हुआ सीसीटीवी कैमरा का हाल?
तो आप गुस्साइए मत, जनता आपकी ओर देख रही है, आपको अपराध रोकना पड़ेगा, क्राइम रोकना पड़ेगा, अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार में गृह मंत्रालय जैसा सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, इसलिए आप बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल बौखलाइए मत, जनता आपको देख रही है, और अपराध को रोकने का काम कीजिए, और बिहार का विकास करने का काम कीजिए, युवकों को रोजगार देने का काम कीजिए। अगर बीजेपी में दबाव अधिक महसूस हो रहा है, आइए महागठबंधन के साथ और मिलजुल के हम लोग बिहार का विकास और अपराध रोकने का काम करेंगे। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खगड़िया कांग्रेस विधायक छठपति यादव का बिहपुर में हुआ जोरदार स्वागत। भागलपुर जिले के थाना बिहपुर क्षेत्र स्थित कांग्रेस भवन में खगड़िया कांग्रेस विधायक छठपति यादव का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेसी विधायक ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान के हित की बात नहीं कर रहे हैं। कई किसान भाई बॉर्डर पर अपनी जान गंवा चुके हैं, इतनी कड़ाके की ठंड में भी वे अपनी मांग की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। वहीं श्री यादव ने कहा कि यदि किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो पूरे बिहार में जोरदार आंदोलन कांग्रेस करेगी। वहीं बीहपुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी जी कहते हैं मुझको क्या है, झोला उठाएंगे चल जाएंगे। झोला मतलब आप लोग जो झोला समझ लो, झोला नहीं है, झोला जहाज का नाम है, हो गया है, इसको पता कर लीजिए। झोला जहाज का नाम है, वो कहते हैं जब होगा आप झोला उठाएंगे चले जाएंगे। तो इस टाइप करके भाषण दे दे करके मान लीजिए कांग्रेस पर आप आघात करते हैं। 70 साल में क्या किया कांग्रेस का, आज भी धरो खड़ा है, जमीन खड़ा है, आज भी विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस के 10 आदमी हम बैठे हुए हैं। शहीद करना होता तो कांग्रेस ही करेंगे, अच्छी बात करना है कांग्रेस ही करेंगे। मेरा मानना है किसान के लिए कांग्रेस पार्टी अग्रसर हुई है। आज हम लोग बिहार राज्यपाल के पास प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं मानेगा तो ये महीना का अंतिम बहुत जोरदार संघर्ष होगा और जिला वाइज होगा, प्रखंड वाइज होगा, और सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भागलपुर का मेरा दौरा 2 दिवसीय, इसमें भागलपुर में जिला कमेटी में बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे और एक स्वरूप तैयार करने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाले फरवरी माह में जो है एक कार्यक्रम मूल रूप से चलेगा पूरे राज्य में चलेगा। पुष्प वर्षा के साथ नौगछिया में शुरू हुआ वैक्सीनेशन, पहले दिन 80 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में पुष्प वर्षा के बीच कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया गया। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक अरुण कुमार राय के नेतृत्व में फीता काटकर वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया गया। इसके बाद पुष्प वर्षा के बीच वैक्सीनेशन करने वाले कर्मियों और चिकित्सकों ने वैक्सीनेशन कक्ष में प्रवेश किया। कदुआ लक्ष्मीनिया गाँव की आशा कार्यकर्ता कुमारी सुधा को सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया गया। देर शाम सूचना दी गई है कि कुल 81 लोगों का वैक्सीनेशन शनिवार को किया गया, अब सोमवार को वैक्सीनेशन किया जाना है। वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले नौगछिया के पुलिस कप्तान सुशांत कुमार सरोज और नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। दोनों ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई तैयारी पर संतोष प्रकट किया और आम लोगों से वैक्सीनेशन में सहयोग करने की अपील की। देखने आए वैक्सीन चाहे वो सरकारी अस्पताल में या फिर प्राइवेट, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के इन कमी तो जो भी विभाग का डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, उसके अनुसार तो सब फुलफिल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, सब ठीक है। आज पहला कोरोना वैक्सीन लग गया है यहाँ पे, किस तरह से अभी लगा नहीं है, वो वेटिंग में है, अभी तो लगा नहीं है। नहीं, नहीं।
वेटिंग में लड़ने वाले हैं। एक मजिस्ट्रेट साहब भी अभी तक हाँ वो पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं। एक्चुअली वो रिप्लेस हुआ है इस कारण से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन उसको हुआ, पहुँच रहा है यहीं पे है नगर अनुमंडल में, ठीक 10 मिनट पहुँच जाएगा। ठीक है, सुई जो लगा वैक्सीन क्या लगा, किस तरह से प्रभाव, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, तबीयत ठीक है आपकी, कोई दिक्कत परेशानी, इससे आम लोगों क्या फायदा होगा कोरोना के डर से मुक्त होगा। कैसे पहले आपको जांच किया यहाँ अंदर में, कैसे क्या किया गया वो बताइए आप अच्छा से, कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ, ऐसे सुई लगाई, सुई लगाया अथी, ब्लड प्रेशर वगैरह भी जांच किया, ना कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना कोई दिक्कत। आप क्या नाम है, तुम्हारी सुधा, कहाँ के यहाँ से है, लक्ष्मी का दवा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना, ना कोई दिक्कत। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। बिहार ट्रक एसोसिएशन के द्वारा चक्का जाम के दूसरे दिन भी आंदोलन रहा जारी। मौके पर वक्ताओं ने कहा, मांग पूरी नहीं होने तक घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन रहेगा जारी। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर जारी चक्का जाम के दूसरे दिन 330 माइल के पास ट्रक मालिक ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह दीपक, भागलपुर जिला जाम जोन प्रभारी शिवराज यादव, बेगूसराय के माधव कुमार, सन्नी कुमार, उनके संगठन के सदस्य, पूर्णिया के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह, बुलबुल सिंह, मनीष सिंह, गुड्डू महात्मा एवं बंटी कुमार एवं उनके संगठन के सदस्य सहित कई जिले के सदस्य मौके पर मौजूद थे। आप अपना मतलब दें, आज का जो घेरा डालो डेरा डालो का जो अभियान हम लोग का चल रहा है, इस अभियान का जितना भी हम लोग का मुद्दा है, उस मुद्दा को जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक यह अनिश्चितकालीन अभियान चलते रहेगी। और इस अभियान में पूरे बिहार में 5 लाख ट्रक की पहिया रुकी हुई है, करोड़ों लोग इससे परेशान हो रहे हैं, सबका आर्थिक क्षति हो रही है, कितने लोग का इस पर रोजी रोटी था सब बंद हो गया है। हम लोग इस मुद्दा को लेकर पूरे बिहार में यह अभियान है, भागलपुर में भी है, और इस अभियान में हम लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, और कोई भी आंधी तूफान आ जाए हम लोग पीछे हटने वाले इस लड़ाई में नहीं है। या कितनों समस्या है, प्रशासन अपनी भमकी रुपकी जो दिखा रहे हैं उनका हम सम्मान करते हैं, आप अपना काम करें। मैं भी अपनी गाड़ी को स्वतः खड़ा किए हैं, ना कि हम रोड जाम अभी किए हैं, अगर उसकी भी बारी आएगी उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे हम लोग, सीधा बात है। अगर प्रशासन हमको तंग करेगा जबरदस्ती तो हम लोग रोड जाम करके वहाँ सुतेंगे। 5,000 लोग विक्रमशिला सेतु पर डेरा डालो घेरा डालो के तहत खाना बनाएंगे और वहीं रहेंगे, वो तंग करें हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुने मैं रात में किसी का पुतला दहन किया गया था, पुतला दहन तो अभी नहीं हुआ है, पुतला दहन नहीं हुआ है अभी तो। को लेकर बताया जाए क्या किस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो मतलब सरकार है, ये अंधी सरकार है, यहाँ पर 12 चक्का से ऊपर की सारी गाड़ियाँ 14 चक्का और 16 चक्का 18 चक्का 22 चक्का टोटल को खनन के परिचालन से रोक दिया गया है। इसी काला कानून के विरोध में ये चक्का जाम किया गया है, ट्रक बंदी की गई है। ये सरकार जो है इस ट्रक के व्यवसाय को पूरी तरह बर्बाद करने पे लगी है, कहती है मैं रोजगार दूंगा, इससे जुड़े हुए 6 से 7 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, लोग किस्त नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ पे इस जोन में जो भागलपुर के आसपास की डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पूर्णिया कटिहार अररिया किशनगंज बेगूसराय खगड़िया बांका और दरभंगा, इधर 90% जो ट्रक खरीदी जाती है उसका एक ही पर्पस होता है कि वो बालू गिट्टी की ढुलाई करेगी, और उसी व्यवसाय पे निर्भर है टोटल गाड़ी मालिक ड्राइवर खलासी और लेबर ट्रांसपोर्टर, ये सारे बिजनेस को सरकार बर्बाद करने जा रही है, उसी के विरोध में ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और सरकार को ये काला कानून वापस लेके लेना ही होगा, जब तक नहीं लेगी हम लोग सारे लोग जुटे हुए हैं, ट्रक ऑनर एसोसिएशन इसका विरोध करती है, और विरोध ही नहीं करती है इस काला कानून का बहिष्कार करती है, और यहाँ रोड पर हम लोग खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे। कहाँ पे जाम कर रहे हैं, ये विक्रमशिला को जाम करने की बात है, भागलपुर इस जोन में
और वहाँ पे पटना में हम लोग एसोसिएशन के द्वारा कोयलवर को जम करने की बात है जो आज किया गया है पूरे बिहार में चक्काबंदी। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मनीष कुमार, ट्रक ओनर एसोसिएशन में उपाध्यक्ष हूँ। कहाँ के? पूर्णिया से जी। आज जो हम लोग मध्यरात्रि से 15 तारीख के मध्यरात्रि से विक्रमशिला सेतु जाम जोन में हम लोग आकर डेरा डालो का कार्यक्रम बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के बैनर तले कर रहे हैं और इसमें से लगभग हमारे विक्रमशिला सेतु जाम में खगड़िया, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, बांका ये सब लोग इस जोन में हैं और कुल मिलाकर 4 जोन बनाया गया है बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के द्वारा और चारों जोन को आज से अनिश्चितकालीन हम लोग घेरा डालो डेला डालो कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और हमारी मांग है कि 16 तारीख को जो ये परिवहन विभाग के द्वारा मंत्रिमंडल परिषद के द्वारा जो काला कानून ट्रक व्यवसाय पर थोपा गया है उसको लेकर है, जब तक यह काला कानून आपस नहीं लेती है, सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तब तक हम विक्रमशिला सेतु पर घेरा डालो और डेरा डालो का कार्यक्रम अनवरत जारी रखेंगे। अपना परिचय दे दें। शिवराज यादव, ये बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रमशिला सेतु। नवगछिया, गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर एसडीओ ने की बैठक। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 के मद्देनजर सादे समारोह के तहत गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अनुमंडल कार्यालय में सुबह 9 बजे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में 9:30 बजे, अनुमंडल पदाधिकारी आवासीय कार्यालय में 8:30 बजे, अनुमंडल कारा में 9:40 बजे, बाजार समिति में 10 बजे, पुलिस लाइन में 10:20 बजे, आदर्श थाना में 10:35 बजे, अनुमंडलीय अस्पताल में 10:45 बजे, श्री गोपाल गौशाला में 11 बजे एवं नवगछिया नगर पंचायत कार्यालय में 11:30 बजे झंडोत्तोलन होगा। से सभी संस्थान में अपने अपने सुविधा अनुसार कार्यक्रम तय करने का निर्णय लिया गया है। अनुमंडल कार्यालय में परेड ग्राउंड में इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सहित प्रचारी प्रवर पुलिस केंद्र नौगछिया द्वारा सम्मिलित परेड के प्रभारी होंगे। बीएमपी डीएपी के सम्मिलित परेड की व्यवस्था कराएंगे। परेड के पूर्वाभ्यास के संबंध में पूर्व की भांति प्रचारित व पुलिस केंद्र नौगछिया सभी तैयारी कराएंगे। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि मार्च पास्ट का पूर्वाभ्यास 22 जनवरी से 24 जनवरी तक पुलिस केंद्र नौगछिया में 8:30 बजे होगा। मुख्य समारोह स्थल नौगछिया अनुमंडल कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी के आवास पर राष्ट्रीय ध्वज लाइन नौगछिया ध्वजारोहण के लिए तैयारी की देख रेख में इस कार्य को करेंगे। प्रवर नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। पीएससी नारायणपुर में कोरोना वैक्सीन का 70 हेल्थ वर्कर को लगा टीका। पीएससी नारायणपुर में कोविड-19 का कोरोना वैक्सीन टीका को लेकर पीएससी परिसर को पंडाल, फूल व गुब्बारे से सजाया गया था। टीका लगाने के पूर्व नारायणपुर बीडीओ हरिमोहन कुमार, सीओ अजय सरकार, पीएससी प्रभारी डॉक्टर विजयंत कुमार विद्यार्थी, भवानीपुर थाना प्रभारी नीरज कुमार व शशि भूषण यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। टीका प्रशिक्षण ANM दीप शिखा व संगीता के द्वारा लगाया जा रहा था। पहला टीका पीएससी के डॉक्टर अंकित कुमार को लगाया गया, उसके बाद ANM व आशा को लगाया गया। नवगछिया जिला पार्षद नंदनी सरकार ने निसहायों के बीच बांटे कंबल। नवगछिया जिला पार्षद नंदनी सरकार ने बढ़ते ठंड को देखते हुए शनिवार को नगर पंचायत के रामनगर बिनटोली गांव में करीब 3 निसहाय व गरीब परिवारों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर जिला पार्षद नंदनी सरकार ने कहा कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। समाज के सभी लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। वहीं मौके पर जदयू नेता प्रशांत भवेश कुमार कन्हैया, वार्ड सदस्य शांति देवी, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि परमानंद महतो, विजय कुमार, रामदनी महतो, श्री जतन चौधरी, बद्री पोद्दार, किशन देव महतो सहित कई अन्य मौजूद थे।
अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। गोपालपुर तिनटेंगा करारी पंचायत के वार्ड संख्या 14 की वार्ड सदस्या को हर घर नल का जल योजना को 30 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश। भाजपा पंचायत अध्यक्ष अनिल कुमार की लिखित शिकायत पर वीडियो प्रियंका ने जेएसएस हिलारियस हेम्ब्रम व कनीय अभियंता से वार्ड संख्या 14 में हर घर नल का जल योजना की जांच शुक्रवार को करवाया। जांच के दौरान पाइप में लीकेज तथा घरों में नल का कनेक्शन नहीं पाया गया। वीडियो प्रियंका ने बताया कि वार्ड सदस्य से वार्ड विकास क्रियान्वयन समिति की अध्यक्ष सोनिया देवी को हर हाल में 30 जनवरी तक हर घर नल का जल योजना को पूरा करने का निर्देश दिया है। वीडियो प्रियंका ने बताया कि टिड्डेगा करारी पंचायत के वार्ड संख्या 14 स्थित बिनटोली गांव में विकास के हर कार्य में करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास व पीएम आवास योजना सहित मिली शिकायतों की जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गोपालपुर बोले मनरेगा पीओ, जल जीवन हरियाली के तहत हरेक पंचायत में लगेंगे 2400 पौधे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जल जीवन हरियाली योजना के तहत मनरेगा से हरेक पंचायत में 2400 पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए मनरेगा के गोपालपुर व इस्माइलपुर पीओ ने बताया कि पौधारोपण का कार्य निजी व सरकारी जमीन पर नियमानुसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकारी चापाकल के पास अधिक से अधिक सोखता का निर्माण आने वाले दिनों में किया जाएगा। मनरेगा से निजी जमीन पर खेत पोखरी योजना के तहत किसानों की जमीन पर पोखर खुदाई का कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोपालपुर व इस्माइलपुर प्रखंड के पंचायतों में बनाए गए राजीव गांधी सेवा केंद्रों की स्थिति की जानकारी ली जा रही है तथा जल्द ही आधे अधूरे भवनों को पूर्ण करवाकर पंचायतों में पीआरएस को नियमित रूप से बैठने का निर्देश दिया जाएगा। नवगछिया, शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद उम्मीदवार बनाए जाने पर नवगछिया में खुशी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नवगछिया अनुमंडल में शाहनवाज हुसैन समर्थक भाजपा नेताओं में खुशी का माहौल देखा गया। जिला कार्य समिति सदस्य गगन प्रसाद चौधरी, खरीख दक्षिणी के जिला पार्षद कुमकुम देवी, भाजपा जिला मंत्री मुकेश राणा, राजकुमार रजक आदि लोगों ने खुशी व्यक्त की है। नवगछिया, मास्क चेकिंग अभियान में रंगरा पुलिस ने 6 लोगों से वसूल किया 300 रुपए जुर्माना। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष महताब खान के नेतृत्व में चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान में कुल 6 लोगों से 300 रुपए जुर्माना वसूल की गई है। थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। लोग मास्क लगाकर कोरोना से तो बच सकते हैं, साथ ही साथ पुलिस द्वारा लगाए जा रहे जुर्माने से भी बच सकते हैं, इसलिए प्रत्येक लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीददारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी नन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट। शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुन
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी नवगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।